कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं व्हाट्सएप का एक कमाल के नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया है, फिलहाल बीटा यूजर के लिए आने वाले सबको मिलने वाला है। जैसा कि आपको बता हुआ व्हाट्सएप के अंदर आपको एक फीचर मिलता था मैनेज स्टोरेज करके, जिसके अंदर अपनी आप सारी स्टोरेज को मैनेज कर सकते थे बाय चैट्स कि कौन कौन सी चैट्स ने आपका सबसे ज्यादा डेटा या स्टोरेज को खा रखा है। तो उसी के अंदर एक नया अपडेट आया और बहुत ही कमाल का एक फीचर और एड ऑन कर दिया गया। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो करें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक। तो जैसा कि बताया मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के कमाल के नए फीचर के बारे में, तो उसके लिए जाना है सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद अपने व्हाट्सएप को आपको अपडेट कर लेना है। पहले तो अपडेट कर लेना है। फिलहाल ये जो अपडेट आया है, ये जो फीचर आया है फिलहाल बीटा यूजर के लिए है, आने वाले टाइम पर सबको मिल जाएगा। तो इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ, तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ थ्री डॉट्स पर जाना है और सेटिंग्स पर चले जाना। ओपन करने के बाद थ्री डॉट्स पे जाके आपको सेटिंग्स पे चले आना है। सेटिंग्स पे जाके दोस्तों बता दूं इस फीचर का जो नाम है ना, ये है चैट फिल्टरिंग फॉर मैनेजिंग स्टोरेज। तो मैनेज स्टोरिंग के अंदर आपको चैट फिल्टरिंग का ऑप्शन मिल गया है, जैसे आप इजीली चैट के थ्रू आप देख कर सकते हैं कि आपके कौन से स्टोरेज में कौन से चैट्स में सबसे ज़्यादा स्टोरेज और डेटा खा रखा है। तो ये कमाल का फीचर आपको दे दिया गया। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर स्टोरेज एंड डेटा में। स्टोरेज एंड डेटा में जाने के बाद सबसे ऊपर मिलेगा आपको मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन। यहाँ जाके आप देखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल गए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ऑल्स में स्टोरेज डिटेल्स जो दिख रही है ना आपको, तो स्टोरेज जो डिटेल दिख रही है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल में चैट्स में चैनल में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ खा रखा है, जैसे चैनल में इतने इतने एमबी का डेटा खा रखा है, चैट्स में कितने कितने एमबी का डेटा खा रखा है, सब आपको मिल जाएगा। ऑल्स में जाएंगे तो ऑल्स में पूरा दिख जाएगा और टर्न ऑन यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे क्या क्या हो रखा है। तो इस तरीके से आपको बायफ्रेड कर दिया गया है ताकि आप ईजिली चेक कर सकें कि कौन सा डेटा आपका सबसे ज़्यादा खा रहा है। जैसे चैट्स में सबसे ज़्यादा खा रहा है तो ऑल चैट्स में जाके आप देख कर सकते हैं, चैट्स में चेक कर सकते हैं, चैनल्स में। और आने वाले टाइम पे मैं भी यहाँ पर ग्रुप्स का ऑप्शन भी एड ऑन कर दिया जाएगा कि कौन से ग्रुप ने आपका सबसे ज़्यादा डेटा खाया, तो आप यहाँ से ही मैनेज कर सकते हैं और उन सबको यहाँ से डिलीट कर पाएंगे। तो काफ़ी शानदार ये ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा भी इसमें और फीचर्स हैं कि आप डायरेक्टली यहाँ पर फॉरवर्ड मैनी टाइम करके यह सब चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 242 MB मेरा यूज्ड है और स्पेस है मेरे मोबाइल के अभी 1.5 GB की स्पेस यहाँ पर फ्री दिखा रही है। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करेगा। जैसे कि मान लो आपको चैट से चैट का कोई डेटा को डिलीट करना है, यहाँ पर मी पे क्लिक करेंगे तो उस चैट के अंदर जो भी चीज़ होगी, किसी चैट में से आपको कुछ डिलीट करना हो तो आपको सिंपली उस चैट के मी में जाना होगा। जैसे मान लो ये मेरे नाम पे है तो मैंने ये देख लिया इसमें क्या क्या दिख रहा है। आपको किसी चीज़ को डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे तो वहाँ पर दिखा देगा 144 KB डिलीटेड। ऐसे ही आप चैट्स में चैनल्स में ऐसा कुछ करके अपने मैनेज कर सकते हैं और स्टोरेज को फ्री कर पाएंगे। तो यही नया अपडेट था और यही कमाल का नया फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो कर लो, वीडियो को शेयर कर देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सब तक मिलती रहे, सब तक पहुंच सके। और व्हाट्सएप पे मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।